तो हेलो एवरीवन, ये है विप्रो का शेयर और इस शेयर के यहाँ पर क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आ चुके हैं। तो देखते हैं यहाँ पर इस शेयर के रिजल्ट कैसे रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर इस शेयर के टोटल इनकम से। ईयरली बेसिस में यहाँ पर जो इनकम है वो अराउंड 1,77,512 मिलियन थी, जो क्वार्टरली बेसिस में 1,69,091 मिलियन यहाँ पर हो गई है। यानी क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर जो शेयर की इनकम है वो यहाँ पर डिक्रीज हुई है। आगे हम इस शेयर के टोटल एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंसेस ईयरली बेसिस में 1,45,241 मिलियन था, जो क्वार्टरली बेसिस में 1,41,056 मिलियन यहाँ पर हो गया है। इनकम के साथ साथ यहाँ पर जो है शेयर के एक्सपेंस भी डिक्रीज हुए हैं। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है ईयरली बेसिस में 21,670 मिलियन था, जो क्वार्टरली बेसिस में 19,842 मिलियन यहाँ पर हो गया है। आगे हम इस शेयर के जो है अर्निंग पर शेयर को भी यहाँ पर देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर 4.40 रुपये था, अब जो है 3.88 रुपये के करीबन यहाँ पर हो गया है। ओवरऑल एनालाइज करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो शेयर के रिजल्ट है वो इतने अच्छे भी देखने को नहीं मिले हैं। प्राइस लेवल की बात करें तो इस मंथ तक का शेयर का मैक्सिमम टारगेट 466 रुपये आपको यहाँ पर देखने को मिला है। तो वैसे तो मैक्सिमम टारगेट 470 रुपये से लेकर 80 रुपये के राउंड यहाँ पर रह सकता है। तो इस शेयर को आप यहाँ पर होल्ड करके फिर सेल करना चाहे तो आप इस शेयर को यहाँ पर जो है अपने ओन रिस्क में सेल भी कर सकते हैं। अभी लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से होल्ड मत करिए, शॉर्ट टर्म के प्रस्पेक्टिव से बाय या सेल कर सकते हैं।